महा सती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। जीवन में संकट के पलों में भी पुत्र पुत्री को या पुत्र की माता को अवसर के योग्य विवेक सिखाने की कोशिश की है कभी, या हमें भी कभी अवसर के योग्य विवेक का भान होता है? इसीलिए कहते हैं कि अवसरोचित विवेक रखने के लिए स्वस्थता चाहिए। श्रेणिक राजा को महाअयोग्य पुत्र मिला था कौणिक, और महायोग्य पुत्र मिला अभय कुमार। इनमें से योग्य पुत्र अभय कुमार दीक्षा की मांग करते हुए कहता है, पिताजी मैं राज्य स्वीकार करूं तो मुझे दीक्षा नहीं मिल पाएगी। वैसे भी भगवान कहते हैं कि जो राज्यशी वो नरकशी, तो महावीर प्रभु के परम भक्त आप ही बताइए, मैं राज्य लेकर नरक जाऊं ऐसी इच्छा रखते हो, या मैं चारित्र ग्रहण करके सदगति पाकर मोक्ष में जाऊं ऐसी इच्छा रखते हो? राजा श्रेणिक ने तुरंत ही विवेक दर्शाते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, तू राज्य ले और नरक जाए ऐसा तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो चाहता हूं कि तू चारित्र ग्रहण करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। बस इसी समय अभय कुमार ने पिता से चारित्र लेने की अनुमति मांगी, और उसकी विनती का स्वीकार करते हुए श्रेणिक राजा भी तुरंत ही वरघोड़ा निकालकर प्रभु के पास गए। वहां पहुंचकर प्रभु से बोले, भगवान मैं आपको शिष्य भिक्षा देना चाहता हूं, इसे चारित्र देकर कृपा करें। ये पिता पुत्र किस दुनिया के मानवी थे? श्रेणिक का उच्च गणित, अब कौणिक के जुलम की आपत्ति आएगी तो? फिर भी श्रेणिक ने यह विवेकपूर्ण विचार किया कि मेरी सुंदर सेवा करने वाला लायक पुत्र अभय कुमार राज्य पाकर दुर्गति में चला जाए यह भी सही नहीं है, भले ही मेरा जो होगा वो होने दो, वैसे भी मेरे कर्मों में जो लिखा है वही होगा, मेरे स्वार्थ के खातिर इसके आत्महित को क्यों बिगाड़ूं? मैं इसके आत्महित में अंतराय नहीं करूंगा। स्वस्थ मन के बिना यह अनमोल विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप अपने नजरों समक्ष देखते ही हो ना कि आजकल कितने माता पिता अपने वैरागी बच्चों की दीक्षा में अंतराय करते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ माया के कारण अस्वस्थ है। अस्वस्थता अनेक प्रकार के दुखों और संतापों की कल्पनाओं के कारण है। पुत्र दीक्षा ले लेगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन? पर उन्हें यह पता नहीं है कि तेरा पुण्य नहीं होगा तो तेरा पुत्र विवाह करने के बाद तुझसे अलग हो जाएगा और तेरे सामने दिखेगा भी नहीं। करी सके ना कोई तारा गुणो ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अचवाड़ा।